Hi friends, welcome to the desk Deva English spoken class. Friends, today I will teach you about the negative, interrogative and question words. मैं किसी भी steps के English में चाहे कोई भी steps हो चाहे कोई भी tense हो सब में हम negative, interrogative और question words कैसे बनाते हैं ठीक है friends, एक ही formula है सबका थोड़ी बहुत changing आती है मैं आपको आज explain करके बता दूंगा तो आपको बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा आप आखिरी तक वीडियो देखना आपको सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आप फिर इसके बाद कभी आपको नेगेटिव इंटरोगेटिव या क्वेश्चन और सेंटेंस बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ठीक है फ्रेंड्स तो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे फ्रेंड्स अफर्मेटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव में दो पार्ट्स होते हैं सेंटेंस के एक क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं जो डब्ल्यू एच वाले होते हैं और एक क्या से शुरू होने वाले होते हैं तो उन सभी सेंटेंसेस के बारे में हम आज सीखेंगे ठीक है फ्रेंड्स सबसे पहले मैं एक सेंटेंस लिखता हूं राजू इज माय फ्रेंड राजू इज माय फ्रेंड इसको हम अफर्मेटिव बोलते हैं ठीक है फ्रेंड्स अफर्मेटिव या इसको हम असर्टिव भी बोलते हैं या इसको पॉजिटिव सेंटेंस भी हम कहते हैं ठीक है तो राजू इज माय फ्रेंड राजू मेरा दोस्त है इसका हम नेगेटिव बनाते हैं ठीक है नेगेटिव तो नेगेटिव का जो रूल्स होता है हमेशा यही रहता है कि उसके हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगाते हैं ठीक है फ्रेंड्स किसी भी स्टेप में आप चाहे सेंटेंस में उसका हेल्पिंग वर्ब कुछ भी हो चाहे जिस तरह का भी सेंटेंस हो उस सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लिखते हैं वो नेगेटिव कहलाता है ठीक है तो राजू इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है इज है तो इज के बाद हम नॉट लिखेंगे राजू इज नॉट माय फ्रेंड ओके फ्रेंड्स ये हो गया नेगेटिव अगर हम इंटरोगेटिव बनाते हैं इंटरोगेटिव तो इंटरोगेटिव का यही नियम है इंटरोगेटिव में जैसा कि मैंने बताया आपको कि इसमें इंटरोगेटिव में दो पार्ट्स होते हैं एक तो क्या से शुरू होने वाले सेंटेंस और दूसरे सेंटेंस वो होते हैं जिसमें डब्ल्यू एच वाले क्वेश्चन वर्ड्स का इस्तेमाल होता है जैसे हु व्हाई व्हेन व्हाट व्हिच हुज इन सब चीजों का इस्तेमाल होता है ठीक है फ्रेंड्स तो हम सबसे पहले क्या से शुरू होने वाले सेंटेंस को बनाएंगे तो राजू इज नॉट माय फ्रेंड हो गया क्या राजू मेरा दोस्त है जब भी क्या से शुरू होने वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस हो तो उसका इंग्लिश बनाते वक्त उस सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब हम सबसे पहले लिखते हैं जैसे इज पहले हम लिखेंगे इज राजू माय फ्रेंड क्या राजू मेरा दोस्त है आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है आपको अच्छी तरह से एक स्टेप समझ में आ जाएगा तो सारे के सारे स्टेप समझ में आ जाएंगे अब फिर आप किसी भी सेंटेंस या किसी भी टेंस के सेंटेंस को आप नेगेटिव इंटरोगेटिव या क्वेश्चन वर्ड्स बना सकते हैं ठीक है अभी हम इसमें अगर नेगेटिव आता है कि क्या राजू मेरा दोस्त नहीं है इसको हम ऐसे लिखेंगे इज राजू नॉट माय फ्रेंड या इसको हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं मैं पहले बता चुका हूं तो इजंट लिख सकते हैं इजंट राजू माय फ्रेंड ओके फ्रेंड्स अभी हम क्वेश्चन वर्ड लेते हैं क्वेश्चन वर्ड अभी क्वेश्चन वर्ड में क्या होता है कि कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाता है अभी इस इंटरोगेटिव क्वेश्चन वर्ड भी इंटरोगेटिव ही कहलाता है बट इंटरोगेटिव में मैंने सहूलियत के लिए समझने में सहूलियत हो इसके लिए मैंने दो पार्ट्स कर दिए उसके कि इंटरोगेटिव में क्या से शुरू होने वाला सेंटेंस है एक डब्ल्यू एस से शुरू होने वाला सेंटेंस तो दोनों को समझा कैसे जाता है तो क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस में हम सिर्फ एक वर्ड से ही पूरी क्वेश्चन कर देते हैं कौन कैसा और क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस जो अगर सवाल पूछा जाता है तो उसका जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता उसके लिए पूरा जवाब देना पड़ता है जैसे तुम कौन हो तो हाँ नहीं बोल सकते या ना नहीं बोल सकते उसका पूरा जवाब देना पड़ेगा कि मैं टीचर हूँ मैं देवा हूँ ठीक है फ्रेंड्स अगर हम इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो उसका जवाब हम सिर्फ हाँ या ना में दे सकते हैं कि क्या तुम तैयार हो यस या नो ठीक है फ्रेंड्स तो ये फर्क होता है वो क्या से शुरू होने वाले इंटरोगेटिव में और ये डब्ल्यू एस से शुरू होने वाले या डब्ल्यू एच वाले इंटरोगेटिव में ठीक है फ्रेंड्स तो हम इसको हम कोई भी एक वर्ड से लेकर हम इसको क्वेश्चन वर्ड बनाते हैं जैसे राजू इज नॉट माय फ्रेंड तो राजू किसका दोस्त है तो हुज फ्रेंड
इज राजू। या हम कुछ भी क्वेश्चन वर्ड लेके बना सकते हैं कि हु इज राजू, हु इज राजू। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से नेगेटिव बन गया, इंटरोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड बन गया। आप इस तरह से कोई भी सेंटेंस उठाइए, किसी भी स्टेप का हो, किसी भी टेंस का हो, तो उसमें सारे के सारे स्टेप में यही फॉर्मूला लागू होगा। मैं आपको कुछ और भी करके दिखा देता हूं ताकि आपको अच्छी तरह से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपको विश्वास हो जाए कि हाँ यही नियम सब में लागू होता है। अभी इसमें मैंने लिखा है कि आई हैव टू बुक्स, आई हैव टू बुक्स, मतलब ये अफर्मेटिव हुआ। तो इसका हम नेगेटिव बनाएंगे तो आई हैव नॉट टू बुक्स, सिंपल है। इंटरोगेटिव मींस इसका हेल्पिंग वर्ब हैव है, तो इसके बाद हम नॉट लगाएंगे। फिर इसका इंटरोगेटिव जो क्या से शुरू होते हैं, तो उसमें मैंने आपको क्या बताया कि क्या से शुरू होने वाले इंटरोगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब पहले लिखते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब से पहले हैव आएगा। हैव आई टू बुक्स। ठीक है फ्रेंड्स, इसका हम क्वेश्चन वर्ड अगर लिखते हैं, क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड में हम कुछ भी, जैसे हम कोई भी डब्ल्यू एच एक ले लेंगे, ठीक है, तो इसमें हम वाई लिखते हैं, वाई हैव आई टू बुक्स, मेरे पास दो किताबें क्यों हैं। तो इसमें क्वेश्चन वर्ड का जो फॉर्मूला होता है यही होता है कि पहले क्वेश्चन वर्ड हम लिखेंगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे जो उसका हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर उसके बाद उसका जो सब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद जो उसका ऑब्जेक्ट होगा, फिर अदर्स जो बाकी में आते हैं, जो बचे हुए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन वर्ड का फॉर्मूला है, ये मैं कई बार बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ। तो ये फॉर्मूला आप याद रखना। फिर मैं और भी अलग तरीके के सेंटेंस लेता हूँ जिसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, फिर उसमें क्या करते हैं। अभी मैंने ये सेंटेंस लिखा, ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल। अभी आप बोलेंगे कि इसका नेगेटिव हम कैसे बनाएंगे, इसमें तो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो जिस सेंटेंस में भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है तो उसमें हम उसका नेगेटिव बनाने के लिए डू और डज का इस्तेमाल करते हैं। डू डज भी हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी इस्तेमाल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसा कि आपको मैं पहले बता चुका हूं कि डज किसके साथ लगता है और डू किसके साथ लगता है, तो ही के साथ डज लगता है, तो ही डज नॉट गो टू स्कूल। ठीक है फ्रेंड्स, दे प्ले फुटबॉल, तो यहां पर इसका अगर हम नेगेटिव बनाते हैं तो डू लगेगा यहां पर, दे डू नॉट प्ले फुटबॉल। या इसका आप शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं, डोंट लिख सकते हैं, इसका डजंट लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, डजंट भी होता है और डोंट भी होता है। इस तरीके से हम जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है उसमें हम डू और डज लगाकर एज ए हेल्पिंग वर्ब हम इसका इस्तेमाल करेंगे, डू डज का, और फिर जैसा मैंने नियम बताया उसी हिसाब से सारा सेंटेंस हम बनाते जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अभी पास्ट टेंस में, अभी हम पास्ट का सेंटेंस लेते हैं, तो माई फादर बाउट कार, मेरे पिताजी ने कार खरीदी। तो इसका नेगेटिव बनाने के लिए अब यहां पर भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो जैसा कि हमने प्रेजेंट में डू डज लगाया था तो डू डज का पास्ट डिड होता है, इसलिए अब यहां पर हम डिड का इस्तेमाल करेंगे। माई फादर डिड, ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो गया। फिर इसके बाद नॉट लिखेंगे, नॉट, फिर बाई कार, फिर यहाँ पे जो बाउट है सेकंड फॉर्म है, वहां पर फर्स्ट फॉर्म आ जाता है डिड लगाने के बाद। इतना आपको समझना है और याद रखना है कि जब हम पास्ट, किसी भी पास्ट टेंस जिसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, अगर उसके उसमें हम डिड लगाकर, हेल्पिंग वर्ब एज अ डिड लगाकर हम नॉट लगाते हैं, फिर वर्ब जो मेन वर्ब है उसका फर्स्ट फॉर्म आ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका अगर हम इंटरोगेटिव बनाते हैं, इंटरोगेटिव, तो यहाँ पे डिड लिखेंगे, डिड माई फ्रेंड फादर बाई कार। ठीक है, अभी हम इसका क्वेश्चन नोट बनाते हैं, तो क्वेश्चन नोट में हम कुछ भी ले लेंगे, जैसे व्हेन, मेरे पिताजी ने कब कार खरीदी, तो व्हेन डिड माई फादर बाई कार। ओके फ्रेंड्स, अभी इसी तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं और बहुत सारे 24 हेल्पिंग वर्ब होते हैं, और 24 हेल्पिंग वर्ब में हम हजारों टाइप के सेंटेंस बना सकते हैं। तो बस मेरा कहने का मतलब यही है कि कभी कभी भी किसी भी सेंटेंस का अगर नेगेटिव बनाना हो तो उसके हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाओ, अगर उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो उसमें डू डज लगाकर उसमें नोट लगाओ, अगर इंटरोगेटिव बनाना है तो किसी भी सेंटेंस का, उस सेंटेंस का जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसको सबसे पहले लिखो जो क्या वाला होता है उसके लिए, फिर अगर क्वेश्चन वाला है
क्वेश्चन वर्ड्स वाला है जिसमें डब्ल्यू एच का इस्तेमाल होता है, तो उसमें क्वेश्चन वर्ड पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स। ओके फ्रेंड्स, यही फॉर्मूला सब में लागू होता है। आप एक बार प्रैक्टिस करके देखो, बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। और उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद।